खुदा आपका कलाम आपको दिया गया है, आपने इकरार किया है, तौबा की है। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की उन तमाम गलतियों की जिसे आप जानते हैं, शैतान जानता है, हो सकता है आपके जानने वाले इसको नहीं जानते, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कहां आप चूक गए। अभी भी मौका है इस खुदावन के मेज में शामिल होने से पहले कि आप खुदावन से माफी मांग सकते हैं। ये जरूरी है कि जब हम खुदावन की मेज के सामने आए तो अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार कर कर रहे। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 25-27 में लिखा है, पौलुस कहता है कि ये बात मुझे खुदा बाप से मिली, श्राप से मुसीबत कराया गया, उसने रोटी ली और दरबार करकर तोड़ी और कहा लो और खाओ ये मेरा बदल है। इसी तरीके से उसने रोटी के बाद प्याला भी लिया और अपने शरीर को दिया और कहा ये मेरे नए ऐलान का खून है, तमाम दुनिया के घरों घरों के लिए कहा जाता है। जब जब तुम इसमें से खाते और इसमें से पीते हो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का इजहार करते हैं। साथ में यह भी कहता है कि अगर कोई गलत तरीके से खुदावन की मेज में शामिल होता है तो वो सजा का हकदार होता है। मेरे कहने का मतलब आपको डराना नहीं है, ना ही पौलुस रसूल का भी ये कोई इरादा नहीं कि आपको डराया जाए, लेकिन ये जरूर इरादा है कि आपको बताया जाए ताकि आप गलती से फिर से गलती ना दोहरा सके। इसलिए खुदावन की मेज में शामिल होने के लिए सबको जो है इन्विटेशन दिया जाता है, आप अपने ईमान को खुदावन पे रखकर तौबा कर आए तो खुदावन आपकी हर छोटी से बड़ी गलती को आज और अभी इसी वक्त जिनको आप मान लेंगे, जिनका इकरार कर लेंगे, खुदावन अपने खून से धोकर उसको बर्फ की मानन साफ कर देगा और उसके बदन में से खाकर और उसके खून में से पीकर आप फिर से जो है ताकतवर हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं और शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। यार यीशु को
Thank you.